बरेली में नाथ नगरी सुरक्षा समूह के कार्यकर्ताओं ने संयोजक दुर्गेश गुप्ता के नेतृत्व जन आक्रोश रैली की और राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में नाराजगी प्रकट करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है पूरे विश्व का हिंदू जानता है। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनका प्रताड़ित किया जा रहा है और हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां से पलायन करने को मजबूर हैं डिगनाला और खगड़ाची। सदर में मुस्लिम लोगों द्वारा दो सबसे अधिक घरों को आग लगा दी गई, दुकानों को नष्ट किया गया। खिलाने वाले मंदिर के पुजारी स्वामी चिन्मय दास को बेकसूर होते हुए उल्टे सीधे आरोप गढ़ते हुए और सलाखों के भीतर भेज दिया। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश, हर जगह इंसाफों ने हमारे हिंदुओं का कत्ल किया है। अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए मुझे चाहे जितने बार लहू बहानी पड़े मैं लहू बहाऊंगा, लेकिन सनातन धर्म और हिंदुओं की रक्षा करके ही रहूंगा। ये जन आक्रोश आंदोलन का एक प्रदर्शन है हमारा। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार देख रहे हैं वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर वहाँ को टारगेट बनाकर उन पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, छोटे बच्चों को टारगेट बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज बरेली का आम जनमानस जो वहाँ की क्या नाम है अत्याचार से बहुत पीड़ित हो चुका है, बहुत घृणित हो चुका है, आज यहाँ आकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? ये पूरे बरेली से आज यहाँ पूरे लोग आए हुए हैं। जिन जिनको ये आह्वान हमने आह्वान किया था, जिन जिनको पता लगी है कि आज यहाँ आक्रोश सभा है, उसको तुरंत को अपने विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हमले हो रहे हैं, इसमें क्या करना चाहते हैं? ये बहुत वहाँ की यूनिस्ट सरकार जो है इसको हम अभी भी चिता रहे हैं कि अभी भी सुधर जाए, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको बंद करवाए। अन्यथा हमारा आग्रह माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि ऐसे बांग्लादेश सरकार के खिलाफ साथ जो उनके जो भी अनुबंध हैं राजनीतिक या व्यापारिक उसको तुरंत बंद करें। मैं अमर सिंह गंगवार हूं और विश्व हिंदू महासंघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूं। देखिए, जो विधर्मियों ने और आताताइयों ने एक सोची समझी साजिश के तरफ जो हिंदुत्व पर बांग्लादेश में प्रहार किया है, विश्व हिंदू महासंघ पुरजोर उसका विरोध करता है और आने वाले समय में अगर वहाँ की सरकार नहीं चेती और हिंदुत्व के लिए और वह सनातनियों की रक्षा नहीं की तो विश्व हिंदू महासंघ हो सकता है कि भारत सरकार अगर परमिशन देगी तो जाकर के बांग्लादेश में भी प्रदर्शन करें और उनके जो भी कुकृत्य हैं उनका जवाब हिंदुत्व की तरफ से विश्व हिंदू महासंघ देगा। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है हमारे हिंदू समाज के साथ, उसकी भर्त्सना करने के लिए, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम सब हिंदू समाज यहाँ एकत्रित है। ये किसी पार्टी का, किसी संस्था का प्रदर्शन नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का प्रदर्शन है और हम चाहते हैं कि इसमें तुरंत हमारे देश की सरकार इस पे कार्रवाई करे और वहाँ हो रहे हमारे हिंदू समाज पर बर्बर अत्याचार को पुरजोर विरोध करके उसको रोक कर हमारे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे मंदिरों की सुरक्षा प्रदान की जाए। हम सब का निवेदन सरकार से यही है कि हम सब आपसे पुरजोर मांग करते हैं। ये अभी 6 महीने पहले बरेली के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जब मैंने ये कहा था कि अब केरल, कश्मीर और बंगाल ज़्यादा दूर नहीं है, ये हमारे बिल्कुल पास आता जा रहा है। अब बांग्लादेश उसी में एक कड़ी है, हम लोगों को जल्दी समझना पड़ेगा चीज़ों को। आज का ये जनाक्रोश, ये जनसैलाब आपको समझ में आ रहा होगा कि आने वाले समय में हमारे हिंदुओं के आक्रोश को हम रोक नहीं पाएंगे। देखिए, ये एक प्रदर्शन है, ये पहला एक छोटा प्रदर्शन है और एक ज्ञापन है, और अगर ये स्थिति रही तो बहुत जल्दी अभी ये प्रदर्शन रोज की बात होंगी।
नगरी सुरक्षा समूह के बैनर तले आज जो है समस्त हिंदू समाज, पूरे बरेली जिले का हिंदू समाज, जनमानस इस आक्रोश रैली में इसलिए आया है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर चुन चुन के अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और ये सुनियोजित तरीके से है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई पीछे बड़ी ताकत इसके पीछे है जो हमारे हिंदू समाज को वहाँ से हिंदू विहीन करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये कार्यक्रम हमारे पूरे विश्व में विरोध के रूप में मनाया जा रहा है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मैं महंत योगेश सरोनाथ, मड़े खजुरिया संपत, नाथ नगरे बरेली उत्तर प्रदेश। जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, क्या कहना चाहते हैं और किस चीज का विरोध करना चाहते हैं? आज जो आक्रोश रैली है पूरे धरती पे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, बांग्लादेश में भी इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। जिस प्रकार से कश्मीर में हुआ था उस प्रकार से पूरे विश्व में इस्लामिक जिहादी हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, और मैं हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने हिंदू भाइयों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय को पूरे विश्व में कोई रोक नहीं सकता। सनातन धर्म ही सर्व धर्मों का सम्मान करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला और विश्व के कल्याण करने वाला सनातन धर्म है। इसको ना कोई समाप्त कर सकता है। बांग्लादेश में जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से वहाँ की सरकार और विदेशी और ताकतें हिंदुओं को, सनातन धर्म को कमजोर और समाप्त कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं, भारत की जनता, भारत का हर एक नागरिक उसका पुरजोर विरोध करता है और उसके खिलाफ पूरे विश्व से, विश्व की बिरादरी से अनुरोध करता है कि बांग्लादेश का अत्याचार समाप्त होना चाहिए, बांग्लादेश की अत्याचारी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और हिंदुओं को सुरक्षित रखना चाहिए। सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार पूरे विश्व में, संयुक्त राष्ट्र में मजबूती से कदम उठाए और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। जय हिंदू, जय सनातन, जय भारत माता।